कोल्ड स्टोरेज बिजनेस कैसे शुरू करें। इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फल, सब्जियां, फ्रेश मीट प्रोडक्ट, अनाजों, प्रोसेस्ड और पैकिंग फूड आदि का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इन चीजों की लाइफ कम होने और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण प्रोडक्शन का 20% तक खराब हो जाता है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है और उनकी फसल का सही दाम भी नहीं मिल पाता। ये चीजें खराब ना हो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत जरूरी है। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जगह का चुनाव। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में लोकेशन सबसे जरूरी है। ऐसी जगह चुने जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने वाले सामान के प्रोडक्शन एरिया के पास में ही हो या फिर मार्केट के पास हो। इसके अलावा उस एरिया में पानी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हो। कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फैक्ट्री लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और फायर और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इसके साथ ही फूड केमिकल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होगा। कितनी लागत लगेगी। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में कम से कम 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है। इस तरह के कोल्ड स्टोरेज के लिए 1 से 1.5 एकड़ की जमीन की जरूरत होती है। इसके अलावा मशीनों, बिजली, डीजल जनरेटर सेट के साथ बाकी सारे खर्चों को मिला लिया जाए तो लगभग 10 करोड़ की लागत आती है। कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 50 से 75% तक की सब्सिडी भी देती है। बैंक भी कोल्ड स्टोरेज के लिए सस्ते इंटरेस्ट रेट पर 80% तक का लोन दे सकती है। अगर कोई 10,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज बनाता है तो उसके लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्रॉफिट कितना होगा। कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस को शुरू करके आप आसानी से हर महीने कम से कम 50 से 70,000 रुपए के बीच इनकम कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें। आपको अपने इस बिजनेस की मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है क्योंकि तभी लोगों को आपके कोल्ड स्टोरेज के बारे में पता चलेगा और तभी आपका ये बिजनेस चल पाएगा। आप पैम्फलेट और पोस्टर के जरिए लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला बिजनेस है। इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।